नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्रवेशार्थियों का अनिल मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों मित्रों, आज ये मेरी पहली डेमो क्लास है और वह भी डेमो क्लास संस्कृत विषय वस्तु से संबंधित है। और आज आपकी ये जो डेमो क्लास है, एक बहुत विशेष पर्व पर प्रारंभ की जा रही है। आज बसंतोत्सव है, आज बसंत की पूजा है और आप जैसा कि जानते हैं कि यह माता सरस्वती का दिन है। तो सबसे पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि इस सरस्वती जी से प्रार्थना है कि बीड़ा पाणी आपको के ऊपर जो है स्वतः मन मस्तिष्क में विराजमान हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी बात मित्रों, आज इस डेमो क्लास में हम लोग आए क्यों हुए हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत बढ़िया अवसर प्रदान किया गया है आपके द्वारा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती निकाली गई है। और यह भर्ती पहली बार ऐसा है कि जो एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होने जा रही है। पहली बार आपको प्रतियोगिता करने का अवसर मिल रहा है, तो एक चीज आप जानें कि कितना बढ़िया अवसर है कि इस अनिश्चितता के दौर में इतने कम समय में इतना निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना प्रतियोगियों के लिए एक हर्ष की बात होनी चाहिए। कि आप बताइए, हम लोग प्रतियोगी रहे हैं, एक एक वैकेंसी ऐसी आती थी कि पांच पांच साल में भर जाती थी मित्रों। तो एक चीज आप जान लीजिए, पद चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, एक बहुत अच्छा अवसर आपके पास है कि आपको इस प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। पद के बारे में आपने देखा कि पद यहां पर जो भी है भाषा से संबंधित आपको ज्ञान कराना है, वो भी भाषा में आप देख रहे हैं संस्कृत विषय वस्तु का ज्ञान आपको मेरे माध्यम से अनिल मिश्रा के माध्यम से कराया जाएगा। एक चीज और है मित्रों, थोड़ा सा चर्चा जो है संस्थान से जुड़ने की भी बात है कि संस्थान से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो संस्थान ने देखिए बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है कि इसके माध्यम से जो है आप संस्थान में जुड़ सकते हैं। और संस्थान का जो है एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8382967979। एंट्री जूनियर लिख करके जो है आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और सुविधा दी गई है। सुविधा क्या है कि संस्थान ने एक टेलीग्राम जारी किया है और वह टेलीग्राम एकदम निःशुल्क है। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप विषय से संबंधित, संस्थान से संबंधित जितने तरह की जो है आपको सुविधा, आपकी आवश्यकता है, आपकी समस्या है, सारी समस्याओं को आप जान सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर को देख लीजिए 8382967979। व्हाट्सएप आपका नंबर है, एंट्री जूनियर करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मित्रों हम सीधे कहां आते हैं, सीधे आपके पाठ्यक्रम की चर्चा कर लें। थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में आपकी जो पहली टॉपिक बनाई गई है वह संस्कृत भाषा से संबंधित है। आपकी पहली टॉपिक संस्कृत भाषा से संबंधित है और इसी में एक पार्ट कर दिया गया है साहित्य का ज्ञान। मतलब पहली टॉपिक संस्कृत भाषा से संबंधित है, दूसरी
उसी का जो दूसरा भाग है उसमें बताया गया है कि साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास का मतलब क्या होता है? संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या है? यह संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको जानना है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो है थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड भले है, लेकिन पढ़ना और प्रश्न बहुत ही जैसे मूल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, महाकाव्य है, गद्य काव्य है, कहानी है, इस तरह से जो जितने भी मतलब संस्कृत साहित्य के अंग हैं, जो मूल मूल बातें आपको पूरे साहित्य के अंदर पढ़नी है, वह लगभग लगभग संस्कृत साहित्य का इतिहास कवर कर देता है। तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके जो है यहीं से मिल जाएंगे। दूसरी टॉपिक मित्रों व्याकरण की है, क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी बात है, भाषा विचार का माध्यम है। भाषा क्या होता है? विचार का माध्यम होता है, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा विचार का माध्यम होता है, और भाषा शुद्ध भी हो सकती है, भाषा अशुद्ध भी हो सकती है, भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, क्योंकि वह एक भाषा है, वह विचारों के व्यक्त करने का एक तरीका है, और इसी भाषा को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे जानना है, उसमें अशुद्धि न हो, उसके लिए व्याकरण का निर्माण किया जाता है। तो भाषा को व्याकरण के माध्यम से कैसे पढ़ा जाएगा, आपने देखा, उसके लिए उस भाषा के लिए संस्कृत का व्याकरण बनाया गया है। और संस्कृत के व्याकरण में एक सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है, आपने देखा, आपने टीटी की परीक्षा पास किया है, कुछ लोग टीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सुपर टेट में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों के सिलेबस को यदि हम देखते हैं तो एक चीज पाते हैं कि कहीं न कहीं हमारा इस टॉपिक से संबंध है, मतलब व्याकरण की टॉपिक से कहीं न कहीं आपका संबंध रहा है। ऐसा नहीं कि भाषा के व्याकरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब आप जान लीजिए कि इस व्याकरण में आपको माहेश्वर सूत्र भी पढ़ना होगा, प्रत्याहार भी पढ़ना होगा, उच्चारण स्थान भी पढ़ना होगा, प्रयत्न भी पढ़ना होगा, पद क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी करनी पड़ेगी, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, और धातु और शब्द रूप है। एक तरह से ग्रामर का जितना भी पोर्शन होता है लगभग लगभग आपको पढ़ना है। यहां से कम आपको 50 प्रश्न जो है कहां से पूछे जाएंगे, वह केवल व्याकरण से ही होगा। तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है। तीसरी टॉपिक पर देखिए मित्रों, यह भी आपके सिलेबस में रखा गया है, गद्यांश और पद्यांश, परीक्षा की जान होती है। केवल यहां आपको सिस्टम मालूम हो तो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होते हैं, क्योंकि पूरे भाषा का कैसा आपको ज्ञान है, क्योंकि यह पढ़ा हुआ भाग नहीं होता है, एक मेंटल परक प्रश्न होते हैं यहां पर। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, इसीलिए बोला जाता है कि यह भाग आपका पढ़ा हुआ नहीं है। पढ़ा हुआ नहीं है किसका मतलब, चाहे जहां से पूछ लिया, ऐसा भी नहीं है, आपके ग्रंथ में, आपके भाषा में, आपके साहित्य में कुछ ऐसे सुभाषित ग्रंथ हैं, ऐसे नीति परक पुस्तकें हैं जहां से इस भाग को लिया जाता है और वहीं से प्रश्न उठा दिया जाता है। और अंतिम प्रश्न देखिए, और जो अंतिम टॉपिक आपके विषय वस्तु में निर्धारित की गई है वह है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेखक और कवि। लेखक और कवि मतलब गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। आप देखिए संस्कृत की कितनी विशिष्टता है, आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य
दोनों की चर्चा हो रही है, लेकिन मित्रों एक चीज आप देखिए, संस्कृत कितनी विशिष्ट भाषा है। हमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए एक चीज कह दी जाती है, गद्यात्रयी की बात कर दी जाती है। गद्यात्रयी, इस गद्यात्रयी में देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, भले आप न जानिए। करें कि डंडी, सुबंध और बाण, डंडी सुबंध बाण, इसका मतलब है कि आपके गद्य साहित्य से जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो कहां से पूछे जाएंगे, यही गद्यात्रयी से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यही से प्रश्न बनता है भैया। वह डंडी से पूछा जा सकता है, वह सुबंध से पूछा जा सकता है, वह बाण भट्ट से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाण भट्ट है क्या, बाण भट्ट को संस्कृत गद्य साहित्य का सम्राट बोला जाता है। आप देखिए उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना कादंबरी है, जिसमें तीन जन्मों की कथा का वर्णन है, इतनी महत्वपूर्ण रचना है और इतनी सरल भाषा में उन्होंने उसको व्यक्त कर दिया है कि उसी के कारण लोग एक जन्म की कथा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने उस रचना में काल्पनिक, कवि कल्पित है, उसका जो विषय वस्तु है कवि कल्पित है, और उसी कारण से आपने देखा इतनी रोचकता है उसमें। मदिरा के समान उसके बारे में उपमाएं दी गई हैं कि जैसे मदिरा का पान करके व्यक्ति आह्लादित हो जाता है, ठीक उसी तरह से कादंबरी को पढ़ने के बाद व्यक्ति जो है आनंदित हो जाता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तीन से चार प्रश्न आपको कम से कम उन्हीं से पूछे जाने हैं। तो इसी तरह से देखें, यहां से गद्य साहित्य से आपको पढ़ना है। इसी तरह से आपने देखिए पद्य साहित्य की बात होती है, तो पद्य साहित्य भी बहुत ही है आसान आपको पढ़ना। ज्यादातर प्रतियोगी समझते होंगे कि संस्कृत भाषा में भैया कितना पढ़ना है, कितना ब्रॉड सिलेबस है यहां जो हमें परीक्षा देनी है, किसको किसको इतने कम समय में, हम जो है लगभग 60 दिन का समय आपके पास है, और 60 दिन में हम कैसे अपनी तैयारी इतने कम समय में कर लेंगे। तो एकदम आप सटीक जानकारी आपको बता रहे हैं कि मित्रों आप इसके लिए घबराएं नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, इस पद्य में जो है, इस पद्य में जो है पढ़ना क्या है, पद्य में पढ़ने की बात क्या आई, यहां केवल बृहत त्रयी की बात हम कर देते हैं, बृहत त्रयी की बात कर देते हैं। इतने में बृहत त्रयी और लघु त्रयी, लघु त्रयी, बृहत त्रयी और लघु त्रयी की बात कर देते हैं, पूरा जो है आपका जो पद्य साहित्य है जिसको आप काव्य कहते हैं समाप्त तो हो जाता है, नाटक को छोड़ करके, क्योंकि परिचय ही है नाटक से जब पूछा जाएगा तो परिचय। इस बृहत त्रयी में तीन विद्वानों की चर्चा हुई है, और ये बृहत त्रयी में है क्या, इसमें जो है भारत जी हैं, इसमें माघ जी का नाम आता है, इसमें श्री हर्ष का नाम आता है। और एक चीज आप जान लीजिए, जितना मैंने बता दिया परिचय, 5 से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न तो केवल इसी आपके जो है इतने से ही आ जाएंगे। बृहत त्रयी में आपको भारत को पढ़ना है, भारत को पढ़ना है, मात को पढ़ना है, श्री हर्ष को पढ़ना है, और देखिए यही बगल में लघु त्रयी की भी चर्चा होती है काव्य में। और लघु त्रयी का मतलब क्या होता है, लघु त्रयी का मतलब होता है, इसमें केवल कालिदास की रचनाएं आती हैं। किसकी रचनाएं आती है, मात्र कालिदास की रचनाएं आती हैं, और कालिदास के बारे में अध्ययन करना है। और कालिदास की केवल 3 रचनाएं हैं, रघुवंशम है, कुमार संभवम है और मेघदूतम। तो देखिए एक तरह से जो है आपका सिलेबस है,
दूसरी चीज मित्रों, एक बात और आपको हम बताएं, सदैव हम प्रतियोगिता की बात करते हैं और यहां भी हम प्रतियोगिता की बात करेंगे। प्रतियोगिता की बात यहां हम इसलिए करेंगे क्योंकि शिक्षक बनने से पहले मैं भी प्रतियोगी था और प्रतियोगिता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कैसे एक प्रतिस्पर्धी को अपने प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए, प्रतियोगिता करते समय कहां कहां सावधानी बरतनी चाहिए, यह चीज बहुत जानकारी है मित्रों। तो देखिए, जो भी आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें और कह रहे कि कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, किस साधन से पढ़ें, किस साधन से पढ़ें, आपका साधन क्या है, इन तीन बातों पर पूरी प्रतियोगिता निर्धारित होती है। और एक चीज आपको और बता दें मित्रों, कभी भी आप प्रतियोगिता देने जाते हैं, कभी भी प्रतियोगिता में 100% कोई तैयारी नहीं कर सकता है। प्रतियोगिता में कोई 100% तैयारी नहीं कर सकता है। आप देखिए, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, यदि आपके 70% विषय वस्तु की जानकारी व्यवस्थित ढंग से यदि आपको है तो आप निश्चित जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और यही होना भी चाहिए। कभी कभी होता क्या है, आप देखिए परीक्षार्थी सब परीक्षा देते हैं, उसमें बहुत सामान्य प्रतियोगी भी होते हैं, उसमें विशिष्ट प्रतियोगी भी होते हैं, उसमें औसत दर्जे की भी प्रतियोगी होते हैं, लेकिन आप देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में कहीं न कहीं जब रिजल्ट देखा जाता है तो औसत दर्जे के विद्यार्थियों का रिजल्ट सबसे ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है, बहुत ज्ञानवान विद्यार्थी भी कभी कभी प्रतियोगिता में पीछे हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उनकी रणनीति गलत है, उनका परीक्षा हाल में प्रश्न करने का तरीका गलत है, उनका अच्छे प्रतियोगियों से चाहे वह ग्रुप हो चाहे वह अच्छे शिक्षक से उनका संपर्क नहीं रहा है, इसी कारण से कहीं ना कहीं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हमने एक चीज आपसे बताएं, प्रतियोगिता की चर्चा करने का कारण एक है। यहां हमने कहा कि कैसे पढ़ें, तो आप देखिए करते क्या, हम मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, कोई मार्केट में किताबें आई उल जलूल, चाहे जो किताबें आई आप सबको खरीद के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरा एक सुझाव आपसे है कि मूल ग्रंथ प्रमाणित ग्रंथ कोई भी पढ़ें, एक राइटर की किताब पढ़ें, एक बार न पढ़ें 10 बार पढ़ें, आपके पढ़ने भर के क्वेश्चन, सिलेक्शन भर के क्वेश्चन उस ग्रंथ से रहते हैं, चाहे वह व्याकरण की ग्रंथ हो, प्रमाणिक ग्रंथ है, एक किताब कोई आप ले लीजिए, चाहे वह बाबूराम सक्सेना की ले लीजिए, चाहे वह कपिल देव द्विवेदी की लीजिए, एक किताब को पढ़ डालिए, 10 बार पढ़िए। हमारा कहने का मतलब यह है। दूसरी चीज आपने देखा कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी, देख नहीं रहे हैं हमें कितना पढ़ना है, कहां पढ़ना। अरे भैया, हर परीक्षा में हर टॉपिक पढ़ने के बाद पता लग जाता है कि कहां से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए तो 70% बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और यही बेसिक प्रश्न जब आपके गलत हो जाते हैं, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर नहीं है तो आपका निश्चित है जो है प्रश्न गलत हो जाएगा। और चयन आप देखते हैं, जब आप पेपर देके आते हैं तो एक बात पर ध्यान दीजिए कि कभी टफ प्रश्न से आपका चयन रुकता है,
आप पश्चाताप, आप तुरंत जानते हैं जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और आप देखते हैं कि यार ये तो जो है बड़ा सामान्य प्रश्न था, यहां तो हमारी निगाहें नहीं पड़ी, ये तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ा कि ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी थी। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे लेकिन कहीं ना कहीं जो है परीक्षा से पहले आप में जो सिस्टम, एक परीक्षार्थी को कैसे परीक्षा हाल में जाना चाहिए, कैसे परीक्षा हाल में बैठना चाहिए, कैसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्न पढ़ने के बाद कैसे आपको आंसर शीट पर जो है कैसे हमें जो है उसको भरना चाहिए, ये सब प्लान की बात होती है। बिना प्लान के आप जाएंगे तो आप निश्चित, और आप कहते क्या हैं कि यार वो तो कुछ नहीं पढ़ता था, काज नहीं कैसे जो है पास हो गया। तो देखिए कुछ लोग ऐसे प्रतियोगी होते हैं कि उनका दिमाग जो है केवल एग्जामिनेशन हाल में चलता है। आप तुक्का मारते हैं आपका प्रश्न गलत हो जाता है, वो तुक्का मारते हैं उनका प्रश्न सही हो जाता। भैया क्यों सही हो जाता है, पढ़ते तो आप सबसे ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप जो भी टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें भाई, यह एक सीमा है, यह एक सीमा है। किसी व्यक्ति के संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कवि परिचय। भैया कवि परिचय में क्या पूछ सकते हैं, उनका जन्म स्थान पूछ सकते हैं, उनका समय पूछ सकते हैं, उनकी रचनाएं पूछ सकते हैं, राजाश्रय पूछ सकते हैं कि भैया ये कहां किस राजा के राजाश्रय में रह करके अपनी रचनाओं को किया है। उनकी शैली पूछी जा सकती है, उनकी उपमाएं पूछी जा सकती है, और क्या पूछा जा सकता है। तो इसको सिस्टम से यदि आप पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न तो आपके ऐसे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह एक सीमा है, हर जगह एक सीमा है। उस सीमा को यदि आप जान लीजिए तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो हमें लगता है कि अब हम लोगों को सीधे जो है विषय वस्तु पर आना चाहिए, क्योंकि समय कम है। तो आज जो है हम लोग विषय वस्तु की शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो आज हम विषय वस्तु का श्री गणेश करने चल रहे हैं मित्रों। तो देखिए पहली टॉपिक यहां संस्कृत भाषा है। इस हम संस्कृत भाषा से ही आज हम विषय वस्तु की शुरुआत कर दें तो बेहतर है। तो देखिए संस्कृत भाषा, आप संस्कृत के मनीषी हैं तो यही से शुरुआत भी होनी अच्छी बात है। और जैसा कि रवि सर ने कहा भी था कि देखिए मित्रों ये एक ऐसी परीक्षा है, इस परीक्षा के लिए जो भी प्रतियोगी, जो भी प्रतिस्पर्धी भाग लेना चाहता है तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे वो तत्काल जुड़े, क्योंकि विषय वस्तु की नब्ज को यदि आपने समझ लिया और प्रारंभ से यदि समझ लिया तो आपके लिए यह विषय वस्तु उतना ही आसान हो जाएगी जैसे परिणाम माने कुछ नहीं। आप देखिए कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें कैसे सफलता मिल गई, हमें खुद ही नहीं मालूम। नहीं मित्रों ऐसी बात नहीं है, परिणाम हवा में किसी को नहीं मिलता। कहीं न कहीं उनका तरीका अच्छा था, उनकी रणनीति अच्छी थी, इसलिए उनको सफलता मिली। तो इसलिए जिसको भी, जो भी प्रतियोगी जो है जुड़ना चाहता है वह प्रारंभिक क्लास से ही जुड़े तो बेहतर है। तो देखिए यहां पर हम एक चर्चा करेंगे मित्रों, संस्कृत भाषा है। और इस संस्कृत भाषा में जैसा कि आपने देखा कि 2 पद दिया हुआ है, एक है संस्कृत, क्या है, एक है संस्कृत और दूसरा है भाषा। पहले हमें इन दोनों को जानना होगा क्योंकि दोनों के योग से इस भाषा का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने में एक विशिष्ट अर्थ। संस्कृत कहने का मतलब सुसंस्कृत, आपसे संस्कार झलकने लगता है।
आप शिष्ट हैं, जो भी व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है उससे एक अपेक्षा होती है, जैसे संस्कृत शब्द का नाम आता है तैसे वह आपके अंदर संस्कार खोजने लगता है कि यह शिष्ट व्यक्ति है, इसके अंदर शिष्टाचार है। कारण है कि यह ऐसी भाषा ही है कि व्यक्ति को शिष्ट बना ही देती है। तो देखें यह करती क्या है, पहले इसकी व्युत्पत्ति हम लोग जानते हैं, व्युत्पत्ति कैसे बनी है। तो कह रहे हैं कि देखिए सम उपसर्ग है, क्या है भैया, इसमें सम उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है और इसमें क्वत प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक व्युत्पत्ति है, विधान है, कैसे इस प्रक्रिया से जो है इस पद का निर्माण हुआ है। तो कह रहे हैं कि सम उपसर्ग क्री धातु के योग से अत प्रत्यय से लग करके संस्कृत पद का निर्माण होता है और इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। क्या होता है, एक विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट अर्थ होता है। वह अर्थ क्या है भैया, विशिष्ट अर्थ, तो कह रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ क्या हो सकता है, तो कह रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ जो है, कह रहे हैं कि वह शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है। क्या है भैया, परिमार्जित है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह किसका अर्थ है, इस आपके संस्कृत पद का अर्थ है। क्या है, यह शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, इसमें कहीं भी अशुद्धता का स्थान नहीं है। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता कि संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। देखिए इसमें जो है दूसरा पद है भाषा, क्या है भैया, भाषा। सामान्यतः भाषा के बारे में आप जानते हैं कि भाषा है क्या, भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम, भाषा भाषित बोलना। तो कह रहे कि इसका उद्भव संस्कृत व्युत्पत्ति में कैसे हुई है, तो यही चीज बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। भाषा में धातु क्या है, भास धातु है, और इसमें अंग प्रत्यय का निर्माण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या है भैया, अंग प्रत्यय है, क्या है, अंग प्रत्यय है, और टाप प्रत्यय का विधान करके इसको स्त्रीलिंग में बनाया गया है। टाप प्रत्यय का विधान करके स्त्रीलिंग में क्या बनाया गया भैया, यह भाषा पद बनाया गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, बोलना। इतनी बात आपने देख लिया कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाषित बोलना। अब हम संपूर्ण पद का अर्थ जानना, हमने जानना चाहिए कि इस संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा जो है ये, इस संस्कृत भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए, संपूर्ण पद का क्या अर्थ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि शुद्ध, परिष्कृत, यौम परिमार्जित भाषा, यौम परिमार्जित भाषा। अब देखिए एकदम कितना स्पष्ट हो गया कि यह भाषा कैसी है, यह भाषा शुद्ध है, यह भाषा परिष्कृत है, परिमार्जित है। इसकी चर्चा हम लोगों ने बार बार किया, तो पूरे का अर्थ हो गया कि शुद्ध, परिष्कृत, यौम परिमार्जित भाषा, ये संस्कृत भाषा का अर्थ। इतनी बात मित्रों जब आप लोगों ने जान लिया, तो जानने के बाद एक उत्सुकता होती है आपके दिमाग में कि भाई भाषा है, भाषा संस्कृत भाषा है, भाषा है क्या, भाषा माध्यम है, भाषा
क्या है? भाषा एक माध्यम है, विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है। भाषा शुद्ध भी हो सकती है, भाषा अशुद्ध भी हो सकती है। तो आखिर इसके लिए कुछ विधान भी तो बनाना होना चाहिए, क्योंकि जब शुद्ध और परिष्कृत है भैया, इसमें कोई गलती नहीं है, तो कोई कार्य किया गया होगा इसके लिए। तो करें, हां बिल्कुल किया गया है। कार्य क्या किया गया है? करें कि व्याकरण का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? व्याकरण का निर्माण किया गया है। करें कि थोड़ा सा इसकी हम लोग व्युत्पत्ति कर लें। तो व्युत्पत्ति देखिए, इसमें क्या है? वी है प्लस आंग है प्लस क्री है धन ल्यूट है। एक चीज आपने देखा बार बार, आप हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ते हैं, बार बार व्याकरण की बात आती है। तो एक चीज ये क्या है, देखिए जो तोड़ा गया है, बी आंग क्री ल्यूट, आपके दिमाग में आता है कि उल्टा सीधा क्या लिख दिया गया, ये व्युत्पत्ति है। पद बना कैसे है? इसमें देखिए दो उपसर्ग लगाया गया है, बी और आंग उपसर्ग है, क्री इसमें धातु है, ल्यूट प्रत्यय के योग से व्याकरण पद का निर्माण किया गया है। अब एक चीज आप बताइए कि व्याकरण है क्या चीज? कारण कि यह एक ऐसा शास्त्र है, यह एक है, क्या है? ऐसा शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है, शास्त्र है जिसमें या जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। शब्दों की क्या बताई जाती है? व्युत्पत्ति। शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। पूरी परिभाषा आपकी क्लियर हो गई कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है कि आप शब्द का प्रयोग कर दीजिए तो आपको बता दिया जाएगा कि इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, या किस वचन में है, या किस पुरुष में है। इसीलिए मित्रों, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसको एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसका हर चीज एकदम सिस्टम से पता है। तो देखिए, यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से क्या बताया जाता है? शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। और एक थोड़ी सी टॉपिक पर और चर्चा करेंगे, इसके बाद आज की क्लास का समापन करेंगे। यह जो आपने व्याकरण पढ़ा, अभी आपने जो जाना, एक उत्सुकता होती है कि आखिर ये जब इतना सिस्टमैटिक भाषा है और इस भाषा का इतना सुव्यवस्थित व्याकरण है, तो आखिर इसको बनाने वाला कौन है? इस व्याकरण को आखिर बनाया किसने? तो कह रहे कि इस भाषा को, इस व्याकरण को बनाने वाले कौन है? तो एक त्रिमुनियों की बात आती है। कहा जाता है कि भैया तीन मुनि हैं और इन्हीं तीनों मुनियों के योगदान से संस्कृत भाषा का जो व्याकरण बना है, वो त्रिमुनि कौन है? कह रहे कि पहला नाम आता है पाणिनि जी का नाम आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नाम सुना ना हो। दूसरा नाम आता है क्या भैया? कात्यायन जी का नाम आता है, कात्यायन जी का नाम आता है। और तीसरा नाम आता है पतंजलि का नाम आता है। ये तीन मुनि हैं जिन्होंने इस संस्कृत व्याकरण पर काम किया है। थोड़ा सा परिचय आपसे बताएंगे आप इनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि आज की क्लास है तो कम से कम 10 प्रश्न इस क्लास से आपके परीक्षा में आने चाहिए। आज इस पहली क्लास में संस्कृत विषय वस्तु की शुरुआत में 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो देखिए, यहां से जो शुरुआत होगी, पहली इनकी रचना अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है।
इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। क्या है? वार्तिक लिखे हैं इन्होंने। क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य लिखा है। ये तीन विद्वान हैं और तीनों विद्वानों ने जो है तीन ग्रंथों का निर्माण किया है। पूरे संस्कृत व्याकरण की विधा को इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में कैसे व्यवस्थित किया है, थोड़ा सा चर्चा यहां होनी चाहिए। इसके बाद क्लास का समापन करेंगे। जैसे पाणिनि की बात आती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाणिनि का नाम न सुना हो। चर्चा विशद रूप से अगले क्लास में होगी, लेकिन परिचय के रूप में थोड़ा देखिए। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत व्याकरण का सबसे शुद्ध ग्रंथ और यहीं से जो है संस्कृत व्याकरण की आधारशिला शुरू होती है। इन्होंने इस ग्रंथ में संपूर्ण व्याकरण का निर्माण किया था। मित्रों, एक बड़ी क्लिष्ट बात है कि इतना पवित्र, इतना सुव्यवस्थित व्याकरण अष्टाध्यायी में लिखा गया है, लेकिन आज सामान्य प्रतियोगियों के लिए या सामान्य विद्यार्थियों के लिए या सामान्य शिक्षकों के लिए यह ग्रंथ बहुत ही क्लिष्ट है। मन मस्तिष्क से ऊपर की बातें हैं। कारण है, एक यहां एक अच्छे कुशल गुरु की आवश्यकता है इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। कारण है कि पाणिनि जी ने जो है जो बात एक बार बता दी है, दोबारा उसको नहीं बताया है। उसमें पुनरुक्ति कहीं पर नहीं है। एक बात जो कह गई है, दूसरी चीज को जो है उन्होंने व्यक्त नहीं किया। जैसे संबोधने चा, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी हैं, वो जानते हैं इस बात को कि संबोधने चा कारक का प्रश्न है। और आप देखिए, संबोधन में भी क्या होना चाहिए, यह नहीं बता रहे हैं कारक चा। चा मीन्स आप जान लीजिए, जो मैंने पहले बातें बताई हैं इसके पहले वाले सूत्र में, वही बातें यहां भी लागू होनी चाहिए। तो इसका मतलब प्राप्त पदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उसके पहले का सूत्र है, वो कहता है कि यहां प्रथमा विभक्ति होती है। और फिर कह रहे कि संबोधने चा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी, यह चा बता रहा कि इसके पहले वाले सूत्र को आप जाने। यही क्लिष्टता है, इसीलिए सामान्य जनों के दिमाग में यह बात नहीं पड़ती है। इसीलिए इसी कमी को दूर करने के लिए कात्यायन जी ने क्या किया, वार्तिक का निर्माण किया। लेकिन वहां भी एक सिस्टम में कमी है, क्योंकि संपूर्ण ग्रामर जो अष्टाध्यायी में जो लिखा गया है, सारे सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक नहीं लिखा है। लिखा क्या है, या तो जिस सूत्र की उनको अलग से आवश्यकता थी उसको लिखा है, या तो पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या की है। कुछ सूत्रों पर ही उन्होंने वार्तिक लिखी है, इसलिए वह क्लिष्टता बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई। तीसरे ग्रंथकार की रचना बात आती है, महाभाष्यकार की। आज पूरी दुनिया में संस्कृत व्याकरण का सबसे सरल और कोई प्रमाणिक ग्रंथ है तो वह पतंजलि का महाभाष्य है, क्योंकि महाभाष्यकार ने जो है सारी कमियों को दूर करके संस्कृत व्याकरण को सरल बनाने का कार्य किया है। और चाहे विश्वविद्यालयी स्तर पर, चाहे विद्यालयी स्तर पर, जब भी संस्कृत के पठन पाठन की बात आती है और प्रमाणिकता के तौर पर इसी ग्रंथ को आधार बनाया जाता है, तो आज की क्लास में हम लोग केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे जब हम लोग कल की क्लास की शुरुआत करेंगे, तो एक संक्षिप्त और एक सिस्टम से विषय वस्तु की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।